what a great man he is. He is the one who is responsible for this wonderful creation of Dadab Basi Saurashtra. The man to go to when you come to Matunga. बिजनेस है वहाँ से उनको जो भी मिलता है कंट्रीब्यूशन वो इन्होंने पूरा जो दे दिया है वो पूरा क्रिकेट के लिए दिया है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ताऊस रिजवी आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह इंस्पायरिंग है, एक्साइटिंग है और बहुत ही अच्छी कहानी है। ये वीडियो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने बॉम्बे क्रिकेट का बहुत भला किया है। देयर आर लॉट्स ऑफ साइलेंट हीरोज, पीपल हु हैव वर्कड अ लॉट फॉर द स्टेट, विच एक सर्विस टू द सोसाइटी होती है। वो कर रहे हैं अपने पैशन से, अपने डेडिकेशन से, जिसकी वजह से उद्धार हो रहा है क्रिकेट का। और उन पैशनेट बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ, मंगेश भालीकर की, जो काफ़ी सालों से PMC के बच्चों को फ्री में क्रिकेट सिखा रहे हो। हर साल हर बार नए स्टूडेंट्स आते हैं कि जो एकेडमी है माटुंगा के रमेश दाटकर मैदान पे, दादर पारसी सौराष्ट्र क्रिकेट क्लब। उसके अलावा उन्होंने दो इंडियन क्रिकेटर्स दिए हैं, चंद्रकांत पंडित एंड लालचंद राजपूत। ही कंडक्ट्स बॉम्बे सिलेक्शन टूर्नामेंट फॉर द अंडर 22, जिसका नाम है शालिनी भालीकर क्रिकेट टूर्नामेंट। दिस टूर्नामेंट शालिनी भालीकर इज नेम्ड आफ्टर हिज लेट मदर। सो कितना इन्वॉल्वमेंट है पूरे फैमिली का। I think you should watch this video, you'll love it, you'll enjoy it and you'll get inspired. Let's go. तो आज पूरे 95 ईयर्स हो गए हैं दादर पारसी सौराष्ट्रियन क्लब को। उसके अलावा वो रन करते हैं शालिनी भालीकर क्रिकेट टूर्नामेंट एंड इट्स बीन 25 ईयर्स। तो इट्स एन ऑनर टू सिट विद यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 25 ईयर्स ऑफ शालिनी भालीकर टूर्नामेंट एंड 95 ईयर्स ऑफ दादर पारसी सौराष्ट्रियन क्रिकेट। तो ये बताइए सर, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई क्रिकेट की? 1975 में रुहिया में था, क्रिकेट वहाँ से चालू। हमें खेलने की बहुत जरूरी थी, लेकिन BMC स्कूल में मैं खुद था और क्रिकेट का नामो निशान है। पाँव में चप्पल नहीं तो बूट कहाँ से आएंगे। खेलने की बहुत इच्छा थी लेकिन क्या करें, कोई हम गॉडफादर नहीं मिला बोलो या कुछ तकदीर से बोलो क्या नहीं हुआ, लेकिन ये तकदीर दूसरों के लिए पैदा हुई ये मुझे बाद में मालूम, जो आज मालूम पड़ा। क्योंकि मैं रुहिया में था तब यही पहली के सहित एक लालचंद राजपूत, जिसने पहले कभी क्रिकेट नहीं खेला था, लालचंद राजपूत और घर में था चार बहन एक लड़का, पिताजी BRC में सादे वर्कर और क्रिकेट के लिए उनको कुछ स्कूल में क्रिकेट ही नहीं था उनके। और पहला ही ऐसा फ्रेंडली मैच में लालचंद ने शुरू किया। सवाल आपको बिल्यू नहीं करेंगे आप, ये रुहिया कॉलेज का एक हिस्ट्री है जो आपको किसी को नहीं मालूम। दो प्लेयर है जिन्होंने बचपन में क्रिकेट नहीं खेला वो इंडिया खेले। कौन कौन? एक अजीत वाडेकर। अच्छा। और एक लालचंद राजपूत। आई थिंक लालचंद राजपूत इज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बॉम्बे के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स रहे हैं। उस वक्त मैं थोड़ा बिजनेस करता था ऑकर्स में, ये लाओ तो उसमें से जो मुझे एक भाकरी का टुकड़ा मिलता था बोले ये बच्चे लोग के लिए, क्योंकि ये दोनों के बाद और बाकी के लोग टैलेंट था लेकिन क्रिकेट में इतना प्रोत्साहन नहीं देता था कोई। शालिनी भालीकर इज अ क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर बॉम्बे सिलेक्शन, इज इट नेम आफ्टर योर मदर? 1985-86 में अंडर 22 सेकेंड एडू बंद पड़ा और वो बंद पड़ने के बाद किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया क्यों बंद पड़ा, और 19 के बाद डायरेक्ट रणजी बहुत बड़ा गैप है। अंडर 22 खेला था लालचंद राजपूत, मुझे याद है, उसको मैं ट्रेन में छोड़ने को गया था। अरे बोलो यार 22 बंद किया कोई पूछना नहीं। तो 96 में मैं खुद होके DP देड़ के नाम पे चार टीम निकाल के टूर्नामेंट चालू किया और उसको मैं कोचेस का नाम दिया ऐसा ही। मुंबई क्रिकेट बोले हम अंपायर देंगे, आप अंपायर का खर्चा करो, मैंने वैसा चालू किया। 99 में मेरे को किरण मोले मिला, तो आप बैतूल के लिए मैं स्पॉन्सर देखता है किरण मोले बोला, और मैंने राज सिंह डुगरपुर
हर बोर्ड को लेटर लिखते रहा कि चाहिए ये टूर्नामेंट चाहिए। 1999-2000 में इसको जोन का परमिशन मिला। तो फिर चंदूलालू बोले, मंगे सर अभी कोच का नाम नहीं, आपकी माँ अभी गई है तो माँ का नाम रखने का, और इसके लिए माँ का नाम रखा। क्रिकेटर्स सैक्रिफाइस करते हैं, उनके पास पर्सनल बेनिफिट ये होता है कि एट द एंड शायद आपको कुछ या तो जॉब मिल जाएगा या आपको इंडिया खेलने मिल जाएगा, या अगर बॉम्बे खेलिए रणजी ट्रॉफी खेलिए, बट इन जो ग्राउंड पे रहते हैं, जो ग्रास रूट पे काम करते हैं, उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं होता। क्या देख के मकसद रहता है आप जैसे लोगों का जो कंटिन्यूसली सर्व करते रहते हैं, जो बॉम्बे क्रिकेट या कोई भी क्रिकेट को सक्सेसफुल बनाता है? एक लगन चाहिए, जो चंदू पंडित बोला ना, और लालचंद के हार्ड चाहिए हार्ड, और मेन ये नहीं है, ये फैशन था मेरा, मैं नहीं खेला किसी को खिलाऊंगा। और ये फैशन में ना तुम्हारे मन में सोच नहीं रहती कि इससे मैं कुछ कमाऊँ, क्योंकि मैं जिनके साथ रह गया, माधव मंत्री, नरेंद्र दामाणी, रमा गांधी सही, आप बिलू नहीं करेंगे, नरेंद्र दामाणी तो मुझे स्टोरी बोलते थे कि पाकिस्तान टूट जाते तो मालगाड़ी से हमको लेके जाते थे। आप बिलू नहीं करेंगे, आपको पहला रिकॉर्ड देखो 5 रुपया अलाउंस था रणजी का, और आज लोगों को लड़का लोग का जो सचिन खेलने के बाद लड़के लोग हर पेरेंट्स को लगा कि मैं क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि मुझे IPL में 20 लाख मिलेगा। किस तरह के सैक्रिफाइसेस पर्सनली इंडिविजुअली आप दिए हैं? देन यू हैव अ फैमिली, यू हैव अ वाइफ। मैं मेरा करियर बोला रॉन्ग में नहीं जाना चाहिए, इसमें मैं रह गया तो गरीब बच्चे लोग हैं जो आज BMC स्कूल कैंप में 43 ईयर कर रहा हूँ, मैं उनको इंडिया नहीं खिला रहा हूँ। 43 ईयर्स मैं इनको इंडिया नहीं खिलाऊँ, मैं इनको आदमी बना। क्यों मानेंगे अनमोल, दाल खिचड़ी मत दो। BMC को कितना लेटर दिया, उनके लिए हैरिस गाइल जैसा टूर्नामेंट रखो, वो टूर्नामेंट की वजह से वो क्लास में बनाएंगे और टीचर लोग को भी पेमेंट मिलेगा। बच्चे में टैलेंट रहता है, जो मेरे में था, चंदू लालू, ये सब टेनिस क्रिकेट से ऊपर आए लेते, तो टेनिस क्रिकेट BMC बॉयज को खेलते हैं ना, उनको लेदर दो। मेरा 40 साल में देखे ना तो सब बच्चे हैं ना, क्रिकेट में फेल होगा तो क्रिकेट को नहीं, ये हिसाब से किया ना तो लोग पढ़ने लगे, ग्रेजुएट हुए। आज उनके लड़के कॉन्वेंट में, और बोला सर मैं क्या करूँ, लड़का गया बोला कॉन्वेंट में ना मेरे पास में, अभी तू कमाता है, तो ये मेरी पोच पावती है। वो आप तो मंगेश भालेकर है और वो दादर पारसी जोरास्ट्रियन क्लब है, मतलब पारसी क्लब है, तो उसका एसोसिएशन आपका कैसे आया? पहला सवाल है जहांगीर बेटा वाला नासा से। देखो पारसी लोगों की एक आदत रहती है, वो जात धर्म नहीं बोलते, वो आदमी देखते हैं, जो आदमी पसंद हुआ ना तो उसके लिए वो जान देते हैं, तो वो जान उन्होंने मेरे लिए दिया। बोला कि ये लड़का बहुत मेहनत करता है, कॉलेज के लड़के लोग को खिलाता है, खेलने को जाता है, बॉल देता है, बैट देता है, तो उन्होंने कहा मंगेश मुझे कोई नहीं मिला, तू मिला तो तू ये संभाल। तो मैंने भी आगे बोला कि मुझे भी कोई मसा सेट मिले जो वो संभाले। आपको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड मिला था कुछ साल पहले, तो कितनी बड़ी बात थी आपके लिए? मेरे को छत्रपति अवार्ड भी मिला स्टेट का 2002 में, और एडमिट मुंबई क्रिकेट में एक ही नाम है जो क्रिकेटियर को मिला है, लेकिन एडमिट के लिए मेरे अकेले को मिला है। और ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पूरे ना पूरा इंडिया में हमारे क्लब को मिला। और वो जो कहावत है ना, डिपिडेट बिन मंगेश, मंगेश बिन डिपिडेट, वो चलते रहेगा चलते। लेकिन उस वक्त मैं हैरान हुआ कि कुछ तो कर्म किया है उसका फल आज। एक तो हम पुअर मिडिल क्लास, अभी उस वक्त मेरे में हम थे तो पुअर ही थे। गॉड गया, लड़के को एक ही बोला, आगे का पीढ़ी है, ये चक्र है, मैं जो किया हो तो सोशल स्टडी में भी ध्यान रखो, पढ़ाई के लिए सबको फ्री सिखा, वही तेरी उन्नति। और मुझे, मैं राष्ट्रपति अवार्ड तक चाहता हूँ, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिएगा, आई वॉन्ट नोबेल अवार्ड। द मैन टू गो टू व्हेन यू कम टू मार्टुंगा, अनबिलीवेबल समटाइम्स।
the way he has handled things. It's been an amazing journey for Mangesh Balekar from Dadkar Maidan to the Rashtrapati Bhavan. That khadus pana jo hai Mumbai cricket sa, wo yahi se aata hai. Aise log hi hain jo wo cricketers produce karte hain. Mumbai has benefited from his sacrifices. लगन जो है क्रिकेट से वो देखते हुए इन्होंने जो सैक्रीफाइस किया है, मतलब सैक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, ही हैज नो यू कैन से नोन बिजनेस और नोन सोर्स ऑफ इनकम सच एज स्टेडी इनकम लाइक सैलरी वगैरह. इनका जो अपना फैमिली बिजनेस है वहाँ से उनको जो भी मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन वो इन्होंने पूरा जो दे दिया है वो पूरा क्रिकेट के लिए दिया है. फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. मंगेश भालेकर जी की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, उन्हीं की जुबानी. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर्ड हुआ मैं. और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी क्रिकेट को डेडिकेट किया अपनी ज़िंदगी. यू कैन सी द पैशन दैट इन हिम अबाउट द गेम. तो बड़ा ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी. आई होप आपको अच्छा लगा. अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. एंड यू नो व्हाट, आई एम गोना गेट यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स and cricket of course. Bahut maza aane wala hai. For now it's goodbye from me. Thank you.